हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए आज हम हिंदी के आपसे टेस्ट लेते हैं कि टेस्ट में अभी कितने मार्क्स आते हैं, कितने नहीं आते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर तो कर दो। अरे आप लोग हमारे आपकी फैमिली हैं, हम और आप हमारी फैमिली हैं। चलिए, अनेक शब्द वाले अर्थ कौन से हैं जिसके अनेक पत्र पत्राएं कौन से बनाए जाते हैं? तो पत्र का बनता है, घोड़ा और घोड़ी दो ही होता है। एक अर्थी शब्द बताइए तो वृक्ष, वृक्ष का वृक्षे आप लोग नहीं कर सकते, वृक्षा नहीं कर सकते। स्वतंत्र सार्थक समूह का शब्द क्या कहलाता है? तो जाहिर सी बात है, स्वतंत्र और सार्थक किस में रहते हैं? तो वो शब्द में ही रहते हैं। शब्द को हम स्वतंत्र भी रख सकते हैं, सार्थक भी रह सकते हैं। कौन सा एक योग रूढ़ शब्द है? तो योग रूढ़ शब्द है चक्रपाणी। कौन सा है? तो चक्रपाणी। यौगिक शब्द कौन सा है? योग रूढ़ और यौगिक का डिफिनेशन जरूर नीचे लिखे। बताइए, फटाफट बताइए। तो घुड़सवार, घुड़सवार क्या है? तो यौगिक शब्द है। रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द वैसे का जिसे हम तोड़ा ना जा सके। 21 का आंसर बताइए तो महात्मा। संधि का विलोम क्या है बताइए? संधि किसी से मेल मिलाप करना, तो क्या हो जाएगा? तो विग्रह होता है। क्षणिक शब्द का विलोम बताइए, तो क्षणिक शब्द का होता है शाश्वत। क्षणिक मतलब थोड़े देर के लिए, शाश्वत मतलब लंबे समय तक, चिरायु तक। कृतज्ञ का बताइए, होता है ना मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूं, तो कृतधन होता है। समान, एक ही उदर से जन्म लेने वाला बताइए, तो एक ही उदर से, एक ही पेट से जन्म लेने वाले बच्चे को क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। कहते हैं ना भाई बहन सहोदर होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं। सिबलिंग्स मीन्स क्या होता है? भाई बहन, बाछे खिलना। तो अत्यंत प्रसन्न हुआ उसे देखकर, उसकी बाछे खिल गई। सरल शब्द का समानार्थी शब्द कौन इसमें नहीं है? तो जाहिर सी बात है चतुर शब्द नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन सा है? और जितना मैं कहती हूँ, अगर आप कमेंट लिखती हूँ कि इस शब्द का अर्थ बताइए, तो नीचे कमेंट पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों का लिखिए कमेंट। अगर आपका कमेंट बहुत अच्छा हुआ तो पिनअप कर दिया जाएगा, ताकि जब तक गेम और चैनल चलता रहेगा तब तक आपका कमेंट सबको दिखता रहेगा। बताइए 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 फटाफट। चलिए, आपका आंसर आ चुका होगा, तो चौकसी आंसर हो जाएगा। अनुज का विलोम क्या होता है? तो अग्रज होता है। चलिए, तो ये आपके टोटल थे कितने क्वेश्चन? 14 क्वेश्चन, 14 में आप कितने मार्क्स आए? जितने भी मार्क्स आए ईमानदारी सहित नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।